जय हिंद दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो आपकी वैकेंसी आई हुई है, इसका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस दिखाऊंगा, कैसे अपना ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है बिना किसी गलती के। इसके लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक का कम्प्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा, कैसे अपना ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें, वीडियो को स्किप मत करें बिल्कुल भी। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट दिए गए हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करें। इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। उससे पहले मैं आपको कुछ इसमें बेसिक जानकारी दे दूँ। ये फॉर्म आपको मोबाइल से अप्लाई करके दिखाऊँगा, कैसे अपने खुद से आप अपना मोबाइल से अपना फॉर्म भर सकते हैं। आप देखिए, एडवर्टाइजमेंट है 2/2022 एडवर्टाइजमेंट है। जो आपके फॉर्म है आज से ही शुरू हो चुके हैं, 1 जुलाई 2022 से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। 31 जुलाई 2022 लास्ट डेट रखेगी। इसमें आपकी तीन तरह की पोस्ट हैं, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। इसमें टोटल 6 वैकेंसी दी गई, यहाँ से आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। इसके लिए आपने 10th क्लास पास कर रखी हो 50% के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको 25,000 पर मंथ आपको इसमें सैलरी मिलेगी, अदर्स अलाउंस के साथ इसमें आपको सैलरी मिलेगी। 18 से 27 साल एज रखेगी इसमें। अब बात करते हैं ड्राइवर की पोस्ट है, ड्राइवर की 11 वैकेंसी दी गई, यहाँ से आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। आपने 10th क्लास पास कर रखी हो और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल एज रखी गई है। सैलरी आपको लेवल 2 की सैलरी मिलेगी, 19,900 प्लस आपको इसमें सैलरी मिलेगी। और देखिए वर्क एक्सीडेंट की वैकेंसी, टोटल इसमें 72 वैकेंसी दी गई, यहाँ से आप ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। इसके लिए आपने सिंपल 10th क्लास पास करके तो अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल एज रखी गई है। 18,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, लेवल 1 की इसमें आपको सैलरी मिलेगी। अब मैं आपको अप्लाई ऑनलाइन करके दिखाता हूँ, कैसे अपना ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर गवर्नमेंट जॉब की जानकारी की अपडेट दी जाती है, इसलिए आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है, इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना स्क्रॉल करके, जैसे ही नीचे आएंगे आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी, जॉब की ईमेल आईडी है, उसके बाद यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे जो भी फर्स्ट नेम है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, जो भी 10th क्लास की मार्कशीट में वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। यहाँ से आप स्टेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, जिस भी स्टेट से आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे कि आपका डोमिसाइल है जिस भी स्टेट का, वो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इम्प्लॉई हैं तो यस नो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये जॉब कैप्चा दिया गया है, यहाँ पर आपको फिलअप करना है और यहाँ से रजिस्टर्ड पर आपको क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही आप रजिस्टर्ड पर क्लिक करते हैं, मेरा राइटेशन सक्सेसफुली हो चुका है, देख सकते हैं आप मेरा राइटेशन सक्सेसफुली हो चुका है। जो आपने ईमेल आईडी दी थी उस पर आपकी ईमेल आईडी पर पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड किया गया, वो आपको चेक करना है, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए, मेरी ईमेल आईडी पर जो पासवर्ड आ चुका है, उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। देखिए, उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जो आपने ईमेल आईडी बनाई थी और जो डाली थी, यहाँ पर पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पर सेंड किया गया वो यहाँ पर डालना है आपको। उसके बाद ये दोबारा से आपको जो कैप्चा दिया गया यहाँ पर फिलअप करना और लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, उसके बाद यहाँ से आप न्यू पासवर्ड बनाएंगे, यहाँ पर करंट पासवर्ड डाल देंगे और जो आप न्यू पासवर्ड बनाएंगे यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद न्यू पासवर्ड को आप दोबारा से कंफर्म करेंगे यहाँ पर। उसके बाद दोबारा से आपको एक कैप्चा यहाँ पर फिलअप करना और यहाँ से चेंज पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है। देखिए, जैसे ही आप चेंज पासवर्ड पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ से आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना और यहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है। जैसे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने वर्क असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे आप, उसके बाद यहाँ से अपना नाम है जो आपका वो सेलेक्ट कर लेंगे आप, मिस्टर श्रीमती जो भी अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से अपना नाम डाल देना आपको, उसके बाद यहाँ से आप नेशनलिटी डाल देंगे, उसके बाद यहाँ से अपना रीजन सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका धर्म है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना आपको, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैरिड अनमैरिड जो भी अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या आप इन वर्ग से आते हैं तो यस नो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। यहाँ से अपनी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे, इनमें आते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे, आपकी कैटेगरी जनरल में काउंट कर दी जाएगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो यस नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
जम्मू कश्मीर के निवासी हैं तो यस नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अपने अकॉर्डिंग दंगों के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। क्या आप अल्पसंख्यक हैं तो यस नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप। विकलांग है तो यस नो अपने अकॉर्डिंग करेंगे आप। फिजिकली हैंडीकैप हैं तो यस नो ये आपके ऑप्शन ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ से आप एक सर्विसमैन हैं तो यस नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्या आप केंद्रीय राज्य कर्मचारी सरकार के कर्मचारी हैं तो यस नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एम्प्लॉय हैं तो न। उसके बाद यहाँ से क्या आप सरकारी आदेशों के अनुसार में दावती खिलाड़ियों के छूट का दावा करते हैं तो यस नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको सेव ड्राफ्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ड्राफ्ट पर क्लिक करते हैं आपका डाटा वो सेव हो चुका है। यहाँ पर आप अपनी डिटेल को अच्छे से चेक कर लेंगे दोबारा से। जैसे आप इन्हें वेरीफाई करते हैं उसके बाद आपको नीचे आना है। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से अपना कंप्लीट एड्रेस डालना है आपको। जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस है यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर सिटी डाल देंगे, डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। उसके बाद अपनी स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी स्टेट है। यहाँ पर जैसे मैंने हरियाणा डाल दिया है। उसके बाद यहाँ से अपना पिन कोड नंबर डालना है आपको। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी आपकी पहले से ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी यहाँ पर। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ से चेकबॉक्स पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से अपनी देखिए अगर आप पहले से एम्प्लॉय हैं तो यस नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आप कर सकते हैं, नहीं तो आप कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है दोबारा से। देखिए जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन आपको डालनी है। 10th क्लास की क्वालिफिकेशन यहाँ पर डालनी है। यूनिवर्सिटी बोर्ड यहाँ पर डाल देंगे कि सिर्फ आपने 10th क्लास पास की, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे आप। उसके बाद यहाँ पर आप मार्क्स डाल देंगे, मैक्सिमम मार्क्स, ऑप्टेंस मार्क्स यहाँ पर डाल देंगे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहाँ पर डालेंगे, ड्यूरेशन यहाँ पर डाल देंगे, रिमार्क यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका पास फेल जो भी अपने अकॉर्डिंग प्लस टू का पास कर रखिए तो यहाँ पर डाल सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। आप इसे सिंपल 10th क्लास पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ से आप जैसे ही नीचे आएंगे एक्सपीरियंस है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देखिए जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ से आपको फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। मैक्सिमम साइज 40 KB रखा गया है। उसके बाद यहाँ से चूज फाइल पर आपको क्लिक करना और यहाँ पर अपने सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद जो ये आपको दिया गया कैप्चा यहाँ पर फिलअप करना है, दोनों का यहाँ पर फिलअप करना, अपलोड फोटो और अपलोड सिग्नेचर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे ही आप सबमिट करते हैं उसके बाद आपके फॉर्म का आपको प्रीव्यू दिखाता है। देखिए जैसे ही अपनी डेट ऑफ बर्थ आप चेक कर लेंगे उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आप जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस आपको चेक कर लेना, जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस है। उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन आपको देख लेनी है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ से आपको डिक्लेरेशन देना और यहाँ से आपको सबमिट फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे ही आप सबमिट फॉर्म पर क्लिक करते हैं आपका अप्लीकेशन सेव हो चुका है और अप्लीकेशन नंबर सेव हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आपको थ्री डॉट पर दोबारा से क्लिक करना और यहाँ से अप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना और यहाँ से माई पेमेंट लिस्ट पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए उसके बाद देखिए जैसे सबमिट करते हैं उसके बाद अपनी फीस आपको पे करनी है। यहाँ से मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही मेक पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू SBI पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद थोड़ा आपको वेट कर लेना है। यहाँ पर अपनी फीस आपको पे करनी है। यहाँ से पे नाउ पर आप क्लिक करके अपनी फीस पे करेंगे। इसमें टोटल फीस आपकी 100 रुपये फीस लगेगी। यहाँ से पे नाउ पर आप क्लिक करके अपनी फीस आप पे करेंगे। देखिए जैसे ही आप फीस पे कर देते हैं उसके बाद थ्री डॉट पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करके यहाँ से आप लिस्ट माई एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपना प्रिंट आउट आप निकाल लेंगे, अपने पास रख लेंगे फ्यूचर के लिए। ऐसे अपना ऑनलाइन फॉर्म आपको फिलअप करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना फ्यूचर में ऐसे ही कोई अपडेट पाने के लिए।